हेलो दोस्तों, मॉडर्न मशीनों की अतरंगी और करामती दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। वेल, आज की इस वीडियो में हम आपको मॉडर्न एग्रीकल्चर से जुड़ी कुछ ऐसी धमाकेदार मशीनें दिखाने वाले हैं जिसने हार्वेस्टिंग और कल्टीवेशन के काम को बेहद आसान और सरल बना दिया है। इन मशीनों की मदद से समय के साथ साथ मेहनत की भी बचत हो जाती है। ये मशीन खास तौर पर किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है, इसीलिए दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहें हमारे साथ। खास तौर पर किसान भाइयों के लिए तो ये वीडियो बेहद खास होने वाली है, तो बिना देरी किए चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। ऑनियंस हार्वेस्टिंग मशीन। दोस्तों आपको बता दें, ये मशीन ट्रैक्टर में फिट हो जाती है जो की राउंड शेप में गोल गोल तेजी से घूमते रहती है और खेतों में लगे हुए प्याज के छिलके को सहित उठाकर अपने अंदर खींच लेती है। अंदर खींच लेने के बाद अगले स्टेप में ये मशीन इसके छिलके को अलग कर देती है ऑटोमेटिक तरीके से। उसके बाद ऑनियंस कन्वेयर बेल्ट से होते हुए इस मशीन के पैरेलल चलने वाले ट्रैक्टर के पीछे लगे हुए ट्रॉली में इकट्ठा हो जाते हैं। जैसा कि आप सामने इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि प्याज कितने ज्यादा लाल और लजीज दिख रहे हैं। दोस्तों अब बारी आती है कैरेट हार्वेस्टिंग प्रोसेस की, जिसके लिए Z3 कैरेट हार्वेस्टर मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीन भी लगभग कमांडर आई मशीन के सिमिलर होती है, लेकिन कमांडर आई में मैकेनिकल जॉर्स लगे होते हैं, जबकि कैरेट हार्वेस्टिंग मशीन में नुकीले जॉर्स लगे होते हैं जो कि अपने रास्ते में आने वाले गाजर को उठाकर अपने अंदर खींच लेती है। उसके बाद इसी मशीन में कन्वेयर बेल्ट लगी होती है। इसके बाद कन्वेयर बेल्ट के थ्रू होते हुए ये अपने पैरेलल में चलने वाले ट्रैक्टर के पीछे लगे हुए बकेट में ऑटोमेटिक गिराते रहती है। इस तरीके से 1x1 करके सभी कैरेट इन पांचों बकेट में स्टोर हो जाते हैं। ब्रोकली हार्वेस्टिंग। आपको बता दें, ब्रोकली को हरी गोभी भी कहा जाता है, जिसकी फसल प्राप्त करने के लिए सबसे पहले इस एडवांस मशीन की बुवाई की जाती है। कुछ महीने बाद जब ये पौधे बड़े हो जाते हैं तब बारी आती है इनके हार्वेस्टिंग की। दोस्तों आपको बता दें, हार्वेस्टिंग का ये सारा काम कर्मी अपने हाथों से ही करते हैं। वर्कर अपने हाथों से ही गोभी को जमीन से उखाड़कर इसके पीछे के पत्ते को काटकर कन्वेयर बेल्ट पर रख देते हैं। कन्वेयर बेल्ट से होते हुए ये बकेट के पास पहुँचते हैं, जहाँ पर वर्कर इस हरी गोभी को उठाकर बकेट में फिल कर देते हैं। उसके बाद इन्हें फैक्ट्रियों तक पहुँचा दिया जाता है, जहाँ पर एकदम चिल्ड वाटर में हरी गोभी को स्टोर करके रख दिया जाता है। ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि हरी गोभी जल्दी से खराब ना हो सके। वाकई में ये काम काफी ज्यादा यूनिक है। दोस्तों अब हमने हरी गोभी की तो हार्वेस्टिंग प्रोसेस देख ली, चलिए अब पत्ता गोभी की भी हार्वेस्टिंग प्रोसेस को एक बार समझ लेते हैं। उसके लिए दोस्तों कमांडर आई मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये काफी ज्यादा यूनिक और जबरदस्त मशीन होती है। इस मशीन को ट्रैक्टर के लेफ्ट साइड में फिक्स किया जाता है। इसके साथ ट्रैक्टर के राइट साइड में पैरेलल एक और ट्रैक्टर चलता रहता है, जिसके पीछे बकेट लगे होते हैं। इसी बकेट में पत्ता गोभी गिरते रहते हैं। आपको बता दें, इस मशीन के लेफ्ट साइड में मैकेनिकल जॉब्स लगे होते हैं जो कि अपने रास्ते में आने वाली गोभी को ऑटोमेटिक अपने अंदर खींच लेती है। उसके बाद ये अंदर से होते हुए कन्वेयर बेल्ट के जरिए इसके पैरेलल में चलने वाले ट्रैक्टर के पीछे लगे हुए बकेट के पास पहुंचते हैं, जहां पर वर्कर्स मौजूद होते हैं जो कि गोभी पर लगे हुए एक्स्ट्रा पत्ते को काट कर अलग कर देते हैं और हरी गोभी को बकेट में रख देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने हरी गोभी, पत्ता गोभी, कैरेट एंड ऑनियंस की हार्वेस्टिंग और कल्टीवेशन प्रोसेस को देखा। इनमें से कौन से वेजिटेबल की हार्वेस्टिंग प्रोसेस आपको सबसे ज्यादा यूनिक और रिलायबल लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों हम ऐसे ही एडवांस मशीन्स आपके लिए टाइम टाइम पर लाते रहते हैं। वेल, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस करके हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।